रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मानसूनी बारिश के चलते इस समय सिरमौर में व्यापक बारिश हो रही है। नाहन में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से कई मोहल्लों में नाले नालियों से काफी नुकसान हुआ है। इसी नुकसान को लेकर आज नगर परिषद ने अध्यक्ष श्यामा पुंडीर के नेतृत्व में इन स्थानों का दौरा किया और नुकसान को लेकर विस्तृत रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए। नगर परिषद अध्यक्ष श्यामा पुंडीर ने बताया कि रानीताल अमरपुर समेत कई वार्डों में नुकसान हुआ है और इन स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। नाहन से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। के कारण रानीताल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वार्ड नंबर 5 अमरपुर मोहल्ला में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसका हमने आज जायजा लिया है पार्षदों को और ईओ सर को साथ लेके, और हम जल्द आदेश दिए जाएंगे जल्द से जल्द कि इसको अभी बरसात के बाद जल्द से जल्द रिपेयर करवाया जाए और पटवारी से इसकी डैमेज रिपोर्ट बना के प्रशासन को भेजा जाए ताकि हमें कुछ इसके लिए बजट मिल सके और जल्द से जल्द रिपेयर करवाई जाएगी। आपको पता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, जिसके कारण नाहन शहर में भी बहुत सारा डैमेज जो हमारा हुआ है, इसके लिए एमएलए महोदय, अध्यक्षा महोदय और नगर परिषद के कर्मचारी और पार्षदों के द्वारा मौके का आज जो विजिट है वो किया गया। पहले हम अमरपुर मोहल्ले में गए, जहाँ पर हमने देखा कि एक नाला है वो पूरी तरह से उखड़ चुका है और उसमें जो लोगों ने काफ़ी पिछले सालों से मलबा डाला होगा उस कारण वो ब्लॉक हो गया है, तो वहाँ पर नगर परिषद की टीम हमने लगा दी गई है उसको खोलने के लिए और जेसीबी को भी बुला दिया गया है ताकि उस नाले को सुचारू रूप से खोला जा सके और जो पानी का बहाव है उसको अच्छे तरीके से चैनलाइज किया जा सके। इसके बाद शिवपुरी में एक रोड डैमेज हुआ है, वहाँ पर भी विजिट किया गया। उस रोड के लिए डिटेल जो एस्टिमेट है पटवारी की रिपोर्ट के बाद दिया जाएगा और डीसी महोदय को भेजा जाएगा और उनसे बजट आने के बाद उसको रिपेयर आफ्टर बरसात के हम उसको रिपेयर किया जाएगा। उसके बाद हमने एक जो हाउसिंग बोर्ड का जो टर्न आता है वहाँ पर एक रिटेनिंग वॉल है जो पिछले साल भी डैमेज हुई थी, तो इस बार फिर से वो डैमेज हुई है, तो उसके लिए भी एस्टिमेट बनाकर डीसी साहब को भेजा जाएगा और उसमें जैसे ही पैसे आते हैं उसको रिटेन करके वहाँ पर लोगों के लिए एक पार्किंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा सकती है, तो वो हमारा प्रयास रहेगा कि उसको रिटेन किया जाए और लोगों को वहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी दी जाए। उसके बाद हम यहाँ पर गौरा भवन पर आए थे, पिछले साल जैसा आपको बताया कि पिछले साल भी यहाँ पर डैमेज हुआ था जिसको चेन्नई एमसी ने किया था, तो आज हमने यहाँ पर मौका किया है तो इसका भी हम एस्टिमेट बनाकर डीसी साहब को भेजेंगे और हमारी नगर परिषद से भी जितना सहयोग हो सकेगा उसको बजट को हम प्रोविजन करने का प्रयास करेंगे और इस नाले को चेन्नई करके दोबारा से हम इसको रिपेयर करने का कार्य जल्दी शुरू करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।